दादा राधा कहाँ? ओ शेखर भैया, आप कब आए? अरे मैं तो अभी भी आया हूं, लेकिन तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? मोहन, हम क्यों मोहन जी के ख्याल में खोएंगे? शेखर भैया, आप कुछ भी अरे बोलते मैं ये हैं। पूछ रहा हूँ, मोहन कहाँ पर है? रहने दो तुम, मैं ढूंढ लेता हूँ। देखा देखा बिटिया तूने, ये राधा रानी हमारे मोहन के पैर में कैसे खोई खोई रहने लगी है। राधा को जाने दो, पहले ये सोचो कि वो सांप कहाँ खो गए। लड़की भी पता नहीं कहाँ चली गई। किस लड़की की बात कर रहा है? राधा और कौन? हाँ और कौन? अरे उसके लिए टेस्ट पेपर्स तैयार किए थे मैंने, पता नहीं कहाँ भाग गई। बस सबका ख्याल रखती है, खुद का ख्याल रखना ही नहीं है उसे, ना पढ़ाई ना तबीयत, किसी बात का ख्याल नहीं है उसे। तो तुझे उसकी हर बात का इतना ख्याल क्यों है? अरे मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अरे ये तो अजी जीजा जी की लाइन हो गई। अरे तू सीरियस हो जा यार, वो ना टाइम से सोती है ना टाइम से खाती है, पता नहीं क्या करती रहती है, भाग दौड़ करती रहती है। तो तुझे इस बात से टेंशन है? टेंशन तो होगी ही ना। क्यों, क्या मतलब क्यों? अरे भाई जब राधा को अपना ख्याल नहीं है तो नहीं है, तुझे इस बात से इतनी टेंशन क्यों हो रही है? और आज तक मैंने तो तुझे कभी भी किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट दामिनी के लिए भी नहीं। हाँ क्योंकि राधा जो है वो खास है। नहीं बहुत खास है। मोहन से बात करके देखती हूँ, पता तो करूं कि उसके मन में क्या है। मोहन के मन में भी राधा है, पर अभी शायद मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप जोर दे देंगे ना तो वो जरूर मान जाएगा। आप प्लीज उसे समझाइए। भाई देख एक बात तो बहुत साफ है कि तुझे राधा का बहुत ख्याल है। राधा तो तुझे पहले से अपना भगवान मान चुकी है और अब तूने भी उसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसने गुनगुन की। यार मेरे मन में ना एक बात है, बोल दो। रुका है कभी? यार देख तू दामिनी से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि तुझे गुनगुन के लिए एक माँ चाहिए, लेकिन उस बोरवेल वाले किस्से के बाद अब तक तो पूरा देश ये बात मान चुका है कि गुनगुन के लिए राधा से बेहतर और कोई माँ नहीं हो सकती। इनफैक्ट गुनगुन के लिए नहीं, तेरे लिए भी राधा से बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर भैया। क्या बोल रहा है तू? मैंने कभी राधा को उस नजर से देखा नहीं। मोहन एक बार, बस एक बार राधा को उस नजर से देखो जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे बाकी बिहारी जी चाहते हैं। यार लेकिन उसे गुनगुन और तेरा बहुत ख्याल है, ख्याल रखती हो तुम दोनों का। तो क्या चाहता है तू? मैं इस बात का फायदा उठाऊं? ऐसा नहीं बोल रहा। और यही तो मतलब है ना तेरा कि मैं अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? क्या बोल क्या रहा है तू? मेरी पिछली जिंदगी का बोझ ना अभी तक मेरे साथ चल रहा है। बीवी ने खुद की जान ली, उसे मारने का इल्जाम मुझ पर। मेरी जिंदगी ना अंधेरे में है यार, मैं उसकी जिंदगी अंधेरे में नहीं डाल सकता। यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? शेखर मैं टूटा हुआ हूं अंदर से, मानता हूं राधा के आने के बाद थोड़ा ठीक हुआ हूं, लेकिन जख्म छुपाने से ना जख्मों का दर्द खत्म नहीं हो जाता। जो लोग अंदर से बिखरे हुए होते हैं ना वो किसी की जिंदगी सवार नहीं सकते शेखर। क्यों पता है राधा को क्या चाहिए? राधा को ना एक अच्छा लड़का चाहिए, एक बहुत अच्छा लड़का जो उसके साथ हंसे, उसके साथ मस्ती करे, उसके साथ घूमे, जो दुनिया का रंग देखे यार उसके साथ।
मैं अपनी बेरंग जिंदगी में उसे नहीं लाना चाहता। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। मैं अपने फायदे के लिए उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। मानता हूं मैं तेरी बात, मानता हूं मैं तेरी बात कि गुनगुन बहुत प्यार करते है उससे और राधा भी, लेकिन इस बात के लिए मैं राधा की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। देखा मां, मोहन जानता ही नहीं है कि राधा के दिल में उसके लिए क्या है। अब आप ही समझाइए इसे। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है, हम राधा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब बेटी की जिंदगी में उजाला लाने के लिए हम राधा की जिंदगी में आग नहीं लगा सकते। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, राधा भी मोहन से बहुत प्यार करती है। अब मोहन की बात बिल्कुल मत सुनिए। प्लीज प्लीज उससे बात कीजिए माँ। ये हम नहीं कर सकते। काट लिया ना तो हमने चुरा कर काजू बादाम रख दिए हैं अलमारी में, वो तो खा लेना, विरासत में उतना ही देकर जाएंगे हम। चुप करोगी हम सर, कुछ सुन लेगा तो। और वैसे भी हम जैसे बूट्स पहन के आए हैं ना, जाम में से भी कोई हमको देख कर पहचान लेगा। क्या हुआ? पैरों के नीचे उम्मीद हो गई। आप सांप नहीं, स्किपिंग रोप, रस्सी है। सांप से ज्यादा तो आप मुझे डरा रही हैं। हे बाके बिहारी जी।